नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका चैनल NLPS पंडरिया में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका एक बार आप देख लीजिए। यह है आपका बुक का दोस्तों। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला अभी पूरा बनाता हूँ। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, मैं भाग लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पावर देखना है, सबसे बड़ा जो घात है उसमें भाग लगाना है। यहाँ 2t4 है और यहाँ t स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ढूंढना है इसमें कि क्या हम इसमें मल्टीपल करें जो सेम संख्या आ जाए। तो सबसे पहले देखना है उसके लिए कि इसमें क्या ज़्यादा है, इसमें क्या ज़्यादा है। सबसे पहले चलिए लिखते हैं 2 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टी का पावर 4 है, यहाँ टी का पावर 2 है, इसमें कितना पावर ज़्यादा है, 2 पावर, तो 2 पावर हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं टी स्क्वायर। अब इसको इसको मल्टीपल करेंगे तो सेम संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिर से इसमें से अब इससे गुना 3 से, तो माइनस और प्लस को हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस होगी। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर है, तो पावर जहाँ 2 है उस पावर के सामने यहाँ लिखना है, इसलिए माइनस। अब 2 का 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगी और टी स्क्वायर सेम टू सेम रहेगी। स्क्वायर हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि पावर यहाँ स्क्वायर, तो जितना पावर रहेगा उतना ही उसी पावर के नीचे लिखना है। अब चलिए देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस करना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बच गया +3t³। अब देखिए यहाँ प्लस ये माइनस 6 नहीं देखना है, प्लस है, नीचे वाला साइन देखना है। तो +6t² यहाँ -√t में घट जाएगा, तो कितना बचेगा, +4t², बाकी जो संख्या उसको आप जैसे तैसे नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ 3 ज़्यादा है, यहाँ 3 नहीं, इसलिए +3। उसके बाद यहाँ टी का क्यू है, यहाँ t² है, 1t ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ 3t लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3t हम लोग लिखते हैं। चलिए अब उसके बाद ये संख्या बन गए 3t³। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से देखिए, ये 3 से मल्टीपल करेंगे, इसमें 3 और 3, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ दोस्तों, माइनस में, और टी जी इसके सामने है, पावर के सामने पावर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यह +4t². अब देखिए 9t और -90 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, -2। ठीक है दोस्तों, अब देखना है हमें क्या ज़्यादा है, यहाँ 4 है, तो लिखेंगे +4। ठीक है, +4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ से हमें क्या गुना करना है, क्या मल्टीपल करें, आप 4 है तो 4 निकाल दिए, तो 4 से t² में करेंगे तो 4t² और 3 से 4 में करेंगे तो 12, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो माइनस है तो यहाँ प्लस, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, बच के क्या आपका शेषफल 0। अगर शेषफल 0 हो जाए, यदि शेषफल 0 हो जाए तो क्या है, जो इस बहुपद में इसका एक गुणनखंड है, इसीलिए लिख सकते हैं कि इसका शेषफल बराबर, ठीक है दोस्तों, शेषफल बराबर 0 है, इसीलिए 2t⁴ +3t³ -2t² -9t -12 का t² -3 गुणन खंड है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए आगे, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि मैं इसलिए आप इस तरह से आपके वीडियो में प्रतिदिन बनाता रहूं। धन्यवाद।